आज से लगभग 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड के राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को चार्टर दिया था। तो इंग्लैंड के राजा से चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। उस समय इस देश में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चला करता था। इस कंपनी के अधिकारियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए सूरत में कुछ जमीन ली थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सूरत में कुछ जमीन जागीर में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खुलवा दिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोला है, व्यापार के बहाने, उद्योग के बहाने इस देश में कदम रखा है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन सारे देश को गुलाम बनाएगी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र खुला, उसका व्यापार शुरू हुआ। व्यापार बढ़ते बढ़ते सारे सूरत में फैला। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के बाजार पर कब्जा किया और सूरत के बाजार पर कब्जा करने के बाद एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सूरत पर ही कब्जा कर लिया। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के, भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले और उन पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम सूरत में किया था कब्जा करने का, व्यापार के बहाने से कब्जा करने का, बाजार के बहाने से देश पर कब्जा करने का, वही काम उसने मद्रास में किया, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में किया। धीरे धीरे सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुलते गए और जिन जिन शहरों में, जिन जिन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुले, वो सारे के सारे स्थान हिंदुस्तान के थे, हमारे थे वो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए। 150 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के बहाने साम्राज्य इस देश में बनने लगा। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति व्यापार के बहाने इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा मान लिया और घोषित भी किया कि अब सारे देश पर करीब करीब उनका कब्जा हो गया। 1757 से 1815 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश की जमकर लूट की। ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित रूप से आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत की संपत्ति की लूट करने के लिए। क्योंकि सारी दुनिया जानती है, इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश था, दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था। इस देश में संपत्ति बहुत थी, इस देश में पैसा बहुत था, इस देश में पूंजी बहुत थी। ये बात अंग्रेजों को मालूम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने वो इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र के खोलने के पीछे अंग्रेजों की मंशा यही थी कि धीरे धीरे सारे देश की संपत्ति पर कब्जा करना, और वो उन्होंने किया। तमाम जगह के छोटे छोटे राजा महाराजाओं पर अपनी दोस्ती का बहाना, अपने समझौते के बहाने से वहां कब्जा किया, उनकी संपत्ति अंग्रेजों के पास गई। तमाम दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने, जहां पर समझौते नहीं हो सकते थे, जहां पर स्थानीय व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी, स्थानीय लोग बहुत मजबूत थे, वहां पर अंग्रेजों ने उनको दंड देकर, उनको प्रताड़ित करके, उनको मारकर, उनको पीटकर अपनी व्यवस्था में लाने का काम किया। अपने कानून, तथाकथित कानून के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करके वहां की संपत्ति लूटने का काम किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्ष में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 1757 1760 के आसपास तक सारे देश में व्यापारिक केंद्र खोलकर कब्जा किया और उसके बाद इस देश की एक नियमित लूट शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तो मात्र 50,000 पाउंड का संपत्ति लेकर, पूंजी लेकर इस देश में वो घुसी थी। 50,000 पाउंड की संपत्ति से इस देश में व्यापार शुरू करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1815 के बीच में
हिंदुस्तान से लगभग 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड भेजी, माने प्लासी के युद्ध से वाटरलू के बीच में, वाटरलू का जो युद्ध हुआ उस 1757 से 1815 के समय के बीच में, इस देश की 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट के बहाने। और बाद में औसतन जो हिसाब लगता है बैठता है वो ये है कि हर वर्ष लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान से, भारत से इंग्लैंड जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारा जो इस देश में किया वो सब खुले व्यापार की नीति के तहत, मुक्त व्यापार की नीति के तहत, मुक्त बाजार की नीति के तहत किया। इस देश को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए। अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड में तरह तरह के कानून बनाती थी और उन कानूनों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के नए नए तरीके मिलते थे। जैसे उदाहरण के लिए 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने, अंग्रेजों की संसद ने एक चार्टर ऑफ फ्री ट्रेड पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20-20 साल में चार्टर दिए जाते थे, तो ऐसे ही 20-20 साल के चार्टरों के मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में अपने लूट को, अपने साम्राज्य को पुख्ता करती थी, मजबूत करती थी। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। उस 1813 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के नए अधिकार मिल गए, और उन सारी सुविधाओं और अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को और ज्यादा लूटने में इस्तेमाल किया। तो 1757 से 1815 तक की जो लूट है उससे कई गुना ज्यादा लूट फिर 1813 के बाद इस देश में शुरू हुई, और उस लूट का नतीजा ये था कि जो देश 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था, बहुत संपत्ति वाला देश था, बहुत संपन्न देश था, बहुत समृद्ध देश था, वो देश 1890 तक आते आते एक भिखारी देश में बदल गया। 1813 में जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस चार्टर के परिणाम ये हुए कि इस देश के अच्छे वस्त्र उद्योग को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इस देश की तमाम दूसरी व्यापारिक संस्थाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रौंद दिया। इस देश के तमाम दूसरे वस्त्र उद्योग के अलावा जो दूसरे बहुत संपन्न उद्योग थे उनको भी खूब जमकर इस देश में उन्होंने तोड़ा। इस देश की पूरी व्यापारिक और औद्योगिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से तोड़ दिया, अपने हिसाब से व्यवस्थित किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, सारे देश की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी पैसे की लूट के लिए। तो 1813 से 1890 के बीच जो लूट हुई वो 1815 से 1757 के बीच की लूट से कई गुना ज्यादा लूट थी, और इसी लूट का पैसा जब इंग्लैंड पहुंचा, लंदन पहुंचा, अंग्रेजों के पास पहुंचा, तो उसी पैसे से कहा जाता है कि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति की। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर भारतवर्ष की लूट ना हुई होती, अंग्रेजों ने भारतवर्ष को ना लूटा होता, तो शायद कभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो नहीं पाती। तो अंग्रेज आए थे इस देश में लूट के लिए, अंग्रेज आए थे इस देश में संपत्ति ले जाने के लिए, और यह सही बात है कि 14वीं-15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड दुनिया में बहुत संपन्न देश नहीं माना जाता था, बहुत गरीब देश था, बहुत पैसा नहीं था, कुछ खास नहीं था उनके पास। तो वो सारी की सारी संपत्ति जो हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से इंग्लैंड गई, उसी संपत्ति ने इंग्लैंड को समृद्धशाली बनाया, उसी संपत्ति से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसी संपत्ति से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दिशा में कुछ नए कदम रखे। तो एक तरफ भारतवर्ष बर्बाद हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में वैभव बन रहा था। एक तरफ भारत गरीब हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में संपन्नता बढ़ रही थी। तो भारत के गरीब होने की और इंग्लैंड के संपन्न होने की कहानी को
अंजाम देने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, भारत को गरीब बनाने का काम, इंग्लैंड को अमीर बनाने का।